पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। बांसवाड़ा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक पुलिस ने अपनी होशियारी दिखा के एक कारनामा किया है। जी हां दोस्तों, ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक लूट की घटना सामने आई है, जिसमें दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें से एक आरोपी ने उस समय भागने की कोशिश की जब उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में उनके मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, और उसी दौरान कोतवाली के कांस्टेबल ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनको इनाम देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कांस्टेबल सुरेश सजगता और तत्परता दिखाते हुए उस आरोपी का पीछा किया और साथ ही उसके कुछ ही दूरी पर हॉस्पिटल परिसर में ही धर दबोचा। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बहादुरी दिखाते हुए कांस्टेबल ने आरोपी को पकड़ा। कहाँ पकड़ा साला? ओरे 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 ओरे, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले हो गया, अरे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले सब बिल्कुल पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहादुरी का काम किया था आपने, आपके हौसले को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हौसले को सलाम साहब, बहुत बहादुरी का काम किया था आपने। तीन बार ऐसी सजा हुई, फिर भी मेरे को जबरदस्ती फांसी पे चढ़ा ही ले जा रहे, इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, और वहीं एसपी अभिजीत सिंह ने कांस्टेबल सुरेश को इस सजगता के लिए 2,500 रुपए का इनाम व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोतवाली पुलिस थाना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लूट की घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है, जिसमें प्रतापगढ़ की पीपल खूंट निवासी नारायण पुत्र खुमान सिंह ऑटो से बांसवाड़ा आ रहे थे। इस दौरान कोतवाली के माही डैम रोड बाइक सवार बदमाशों ने उनको रोककर मारपीट की थी। इसके अलावा आरोपियों ने उनसे मोबाइल, हाथ में पहने जाने वाले कड़े और करीब 13,500 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में पीपलोद निवासी लोकेश पुत्र देवीलाल और तेजपुर निवासी सुनील पुत्र लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था, और पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने से पहले मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी। इस दौरान आरोपी सुनील ने फरार होने की कोशिश की। जांच अधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को बाद में जेल भेज दिया गया। और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।